सो हेलो गाइस, वेलकम टू हाइपरएक्स न्यूज़। तो हाइपरएक्स न्यूज़ अभी थोड़ा बिजी चल रहे, जिसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारा पहला न्यूज़ होता है स्काउट की तरफ से। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि स्काउट ने टीम आरजी को बैन किया था BGIS के ग्राइंड में। तो स्काउट के रिसेंट लाइव स्ट्रीम में किसी उनको पूछा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, तो इसमें स्काउट ने क्या रिप्लाई दिया अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। वह भी पैन आरजी, हम लोग आरजी को सोच के पैन नहीं किए थे। हम लोग जोन के बाहर आए थे, मतलब रोटेट कर रहे थे, उतना लेट कोई जोन के बाहर से टीम आई तो बोला भैया ये कौन है भाई जोन के बाहर, तीसरे जोन चौथे जोन में मारो इनको। ये था सीन, ऐसे किसी टीम को देख के नहीं था, कोई भी टीम आती तो उसको पैन पड़ता भाई। उस जोन के बाहर फोल्ड करके, जोन के बाहर होल्ड करके, भाई अलग ही गेम। ऐसे रियल कब जा रहे हो, कल जाके आए ना। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है माफिया और अमन की तरफ से। तो इधर सिड ने अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम में ये कहा था कि युवा और डेथ नोट को कोई एक नया मेंबर ट्रेनिंग देने वाले, और फिर इसके बाद माफिया लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और उन्हें हम लोग को हिंट दिया कि वो और कोई नहीं बल्कि अमन होने वाले। तो वो एग्जैक्ट मोमेंट अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इज अमन न्यू सोल प्लेयर? नहीं भाई, प्लेयर नहीं है, ऐसे समझ लो बस उनके साथ उनकी ट्रेनिंग करवाता है। क्या बोल सकते और क्या मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ? और अमन अब से सबकी ट्रेनिंग करवाएगा, सब प्लेयर्स की साथ में बिठा के, ठीक है? ये बस इतना, बाकी भाई मैं तो बोलता नहीं हूँ यार किसी का कुछ भी, बोलूंगा तो उल्टा सीधा मेरे पे बाप में बैकफायर ना हो जाए कुछ, इसलिए बोलता नहीं हूँ। अरे कहाँ है? तो हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है गोल्डी भाई और रेगल्टॉस की तरफ से। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि रेगल्टॉस सोल के BGIS लाइनअप में नहीं है, तो इसमें गोल्डी भाई के रिसेंट लाइव स्ट्रीम में उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कुछ रिप्लाई दिया है, और फिर बहुत लोग बोल रहे थे कि रेगल्टॉस बहुत ज़्यादा दुखी है, तो फिर इसमें भी गोल्डी भाई ने कुछ रिप्लाई दिया है। तो वो क्लिप्स अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। वी वॉन्ट रेगा, रेगा यही तो है और कहाँ है? अभी कैसा है, नमन ने डिसीजन लिया है तो उनका आपस का डिसीजन है ना। ए आयुष सैनी को लौड़े को हाइड दे, तो क्या होगा पूरा बताओ भाई, क्या होगा? क्या मेरे को जितना पता लगा है अभी टीम सोल में उन बेंच रहेगा, SATL का पार्ट रहेगा, 8-bit क्रिएटर्स का पार्ट रहेगा, फिलहाल मुझे इतना पता है। डू इट सो वी सी हिम बैक इन सोल लाइनअप। मोटिवेट कैसे करना है अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता गाइस उस बारे में, ये इनका टीम का आपस का मैटर है, लेट देम हैंडल। मैं तो आई एम इवन विद एवरीवन, मेरा जो डिसीजन था मैंने कुछ महीने पहले दिया था, तभी सब सॉर्ट हो जाता तो अब तक ये नौबत ही नहीं आती, समझ रहे हो? तब मेरे को गालियाँ पड़ी थी ऑडियंस से, उसको वो कर रहा है, उसको वो बोल रहा है, बट मैंने तो सच ही बोला था ना। अब इवेंचुअली वही हुआ जो मैंने बोला था। क्या हो गया हेल्थ को? गेट वेल सून जॉय। गोल्डी भाई रेगा बहुत सैड रहता है लोको वाली स्ट्रीम में, बात कर लो उससे, ही लुक्स वेरी डिप्रेस, कांट सीम सो सैड। गोल्डी कुरान भाई मेरी बात हुई थी, ही इज फाइन इन रियल लाइफ, और ऐसा कुछ नहीं है लोको पे, तुम लोग उसको आके सैड बनाते हो, वो सही रहता है वैसे। आज करेगा स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम सही मस्त है, देखो ना कम्युनिटी पोस्ट डाला है। तो जैसे कि आप सबको भी पता चल गया होगा कि रेगल्टॉस सोल के BGIS लाइनअप पे नहीं है, तो फिर बहुत लोग के मन में क्वेश्चन आया है कि रेगल्टॉस नया टीम से कोई खेलने वाले ने BGIS। तो इस चीज़ में मायावी के लाइव में किसी उनको पूछा था कि रेगल्टॉस ग्लोबल स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर रहे नहीं, तो इस मायावी ने कहा है कि उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये सब कुछ सांगवान हैंडल करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।